हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बानिक स्मार्ट क्लास और स्वागत है आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम आपके साथ आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो जो कि आपके SBI PO प्रीलिम 2020 एग्जाम उसके रिलेटेड है। अभी एग्जाम हमारे आपको पता है December 31 स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप काउंट कर लीजिए दिन कितने हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं। लेकिन फिर भी ये जो 15-20 दिन और जो हैं हमारे साथ प्रिपरेशन के लिए, उसको हम किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करें, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो हम स्टार्ट करेंगे, आई होप यू विल स्टे विद अस, क्लियर? सो लेट्स गो थ्रू इट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखिए, हम जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ का जो कोर फंडा होता है, दो चीज होता है। पहले व्हाट इज स्ट्रांग, मतलब आपका जो स्कोरिंग एरिया है उसको ज्यादा स्ट्रांग करना है, और आइडेंटिफाई योर वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यही तो है प्रिपरेशन का। अपना जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको और मैक्सिमाइज करें, उसकी धार एकदम तेज होनी चाहिए, और जो हमारे वीकनेस है उस वीकनेस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। 15 दिन में हो सकेगा सर? नहीं, 15 दिन में नहीं हो सकेगा, लेकिन 15 दिन में क्या हो सकेगा, एक इंटेंस आप एफर्ट दे सकते हो जिससे कि जो कि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और कई लोगों के क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि ये गेम चेंजर साबित हुआ है। तो बेसिकली इस स्लाइड में देख लीजिए, लिखा है पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज, सबसे पहले ये वाला बन गया आपका आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड, फोर्टिफाइंग योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड चिपिंग अवे वन्स वीकनेस विद द हेल्प ऑफ गुड प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है, तो प्रैक्टिस के ऊपर जोर दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे 15 दिन के अंदर तो हमने स्ट्रॉन्ग एरियाज वीक एरियाज। लेकिन सबसे पहले सर, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो 15 दिन के अंदर, तो वो कैसे करें सर, रिलेवेंट कैसे रहेगा ना? सबसे पहले आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपके एग्जाम सिलेबस के अनुसार होना चाहिए। तो एवरी प्रैक्टिस, अभी वो 15 दिन का हो या फिर 6 महीने पहले हो, इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, वहां पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा है, गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे देखिए, ये SBI PO प्रीलिम एग्जाम पैटर्न है, 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपको परखा जाएगा। वो सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 आएंगे इंग्लिश में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35, रीजनिंग में 35, कुल मिला के बन गए आपके 100 क्वेश्चंस। अब 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी लाइकवाइज है, और इसके लिए ड्यूरेशन भी है, आप देख सकते हो 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, मतलब एक घंटा। तो ये बन गया आपका टाइम और ये बन गया आपका मार्क। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये वाला आ गया आपका क्या चीज है एग्जाम के लिए, आप क्या क्या चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, लगभग सारे के सारे चैप्टर्स हैं। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि आजकल का एग्जाम पैटर्न अगर हम देख रहे हैं तो पजल बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया कैसे जाने, तो आप ये सब्जेक्ट को देख लो, पजल में आप कितना कंफर्टेबल हो। अगर आप पजल को इजिली विद इन यू से लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। और हमें पता है कि आजकल एग्जाम में पजल का मतलब वैल्यू कितना ज्यादा है, तो इसके ऊपर फोकस करना है आपको। सिमिलरली अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ आए तो सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ड इंडिसेस, वर्क टाइम, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, कई सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पे आजकल एग्जाम में से ज्यादा फोकस दिया जा रहा है वो किस पर दिया जा रहा है, वो DI के ऊपर दिया जा रहा है। DI काफी ट्रिकी है, वैरायटी भी है, और हम ये मान के चलेंगे कि इस साल का एग्जाम पैटर्न दूसरे साल से भी ज्यादा टफ होगा और कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो ये सब आपके स्कोरिंग एरियाज होने से ही, ये आपके स्ट्रॉन्ग जोन में होने चाहिए, यह बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप देख सकते हो रीडिंग कंप्रेशन आएगा, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल फिलर्स, मल्टीपल मीनिंग पैराग्राफ, एरर डिटेक्शन, मिसेलेनियस। अगर हम यहाँ पे मिसेलेनियस की बात करें तो मिसेलेनियस में क्या आएगा ना, मिसेलेनियस में सर आपका आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग वाला आएगा, या सेंटेंस कनेक्टर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इस तरीके से ये उसका सिलेबस बन गया। ठीक, अब इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें तो कई लोग होते हैं जो इंग्लिश सेक्शन में, देखो क्या होता है, एक आएगा आपका
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आएगा आपका ग्रामर, एक आएगा वोकैबुलरी। इंग्लिश कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका इंग्लिश प्रिपरेशन मतलब तीन चीजों में परफेक्ट होना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंशन, अब जिसका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जरूर देखेगा, उसमें से पांच के पांच नंबर या फिर चार नंबर आ गए तो भाई ये तो आपके लिए एक एसेट बन गया। या फिर कोई लोग ग्रामर में स्ट्रांग है, अगर ग्रामर में स्ट्रांग है तो आप एरर डिटेक्शन, फेज रिप्लेसमेंट उसमें जरूर मार्क्स स्कोरिंग कर लोगे, मैच द फिलिंग में आ जाएगा। अगर आपका वोकैबुलरी पार्ट स्ट्रांग है तो मल्टीपल मीनिंग आएगा, कनेक्टर आ सकता है, क्लोज टेस्ट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग हो सकते हैं। तो अपना अपना स्ट्रांग जोन को आइडेंटिफाई करना है और मार्क स्कोरिंग कैसा रहा है आपको देखना है। अगर वो रीजनिंग हो या क्वांटिटी हो, इंग्लिश हो, एक पर्टिकुलर सेक्शन में कितने मार्क आते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पांच मार्क आएगा, मैं प्रिपरेशन करूंगा तो जरूर मेरा टारगेट रहेगा पांच में से अगर मैं चार लेके आ गया तो मेरे लिए तो वो बहुत ही एसेट है। ये अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक जनरल गाइडलाइन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डीआई को मैं जरूर प्रायोरिटी दूंगा अपने प्रिपरेशन में, क्यों, क्योंकि डीआई के ज्यादा मार्क आते हैं। लेकिन मार्क ज्यादा आते हैं उसके साथ टाइम भी देखना है और आपका कंफर्ट लेवल भी देखना है। ऐसा है कि अगर मार्क रहना चाहिए ना 30 मार्क्स में से तुम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पांच मार्क स्ट्रांग है लेकिन उसके लिए तुमने 25 मिनट गवा दिए तो ये नहीं आएगा। किसी भी प्रिपरेशन के लिए तीन चीज प्रायोरिटी होता है, एक होता है एक्यूरेसी, एक आएगा स्पीड, एक तीसरा आएगा क्या टाइम मैनेजमेंट। तो इन तीनों के हिसाब के माध्यम से इनको बैलेंस करते हुए आपको हर सब्जेक्ट में जो जो एग्जाम है जितने जितने मार्क आते हैं और जो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है इन दोनों के बीच में एक मिक्स बनाना है आपको, ठीक। अब तीसरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, यहां पे आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड प्रिपरेशन जनरल आइडिया। ये पहले पॉइंट हमने इसको कवर किया है कि नो द एसबीआई सिलेबस एंड पैटर्न। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मुझे तो यहां तक मैं बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या फिर प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर ये 15 दिन में ना कुछ करो या ना करो प्रीवियस ईयर सेट को जरूर प्रैक्टिस करो। वाणिक का प्रीवियस ईयर सेट हो, अदर सेट्स हो, ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो करने से आपको ना रियल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है उसका एक आइडिया आ ही जाएगा, वो आप मेंटली उस लेवल तक आप पहुंच जाओगे। तो प्रीवियस सेट प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है इस 15 दिन के लिए, कुछ करो या ना करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रश अप द बेसिक स्किल्स, अब ये इसी पॉइंट के साथ रिलेटेड है कि नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, मुझे भी लगता है कि आप लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन की है, आप इस चीज को आसान से नेगोशिएट कर सकते हो। फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो डाउट को कैसे मैंने इसको नेगोशिएट करें, तो ये आ गया आपका रिवाइज थ्रू शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स। अब यहां पे मैं आपको बता दूं हम बाने की तरफ से क्या करते हैं, नॉर्मल शॉर्ट वीडियोस को हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कई और साइट्स पे भी है नेट में, आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम मटेरियल वहां से रिफर कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन भी आ जाए और आप उस मोड में चले जाए कि यस प्रिपरेशन है, स्टडी मोड, उस मोड में आप चले जाते हो, ठीक। अब आ गया बिल्ड ए सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द एग्जाम। हम प्रीवियस स्लाइड में इसी के ऊपर बात कर रहे थे, कैसे कौन से सेक्शन में से कितने मार्क आते हैं और आपका स्ट्रॉन्ग जोन कैसा है, इन दोनों को रिलेट करके आपको एक सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी करना है। फिर एनालाइज द मॉक टेस्ट एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज, वही है। अब यहां पे एक वर्ड आ गया, रीड न्यूज़पेपर डेली टू इंक्रीज योर जनरल नॉलेज स्किल्स। अब इस चीज को मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा, सर हम पीओ के एग्जाम दे रहे हैं, पीओ प्री में तो इंग्लिश आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग आता है, वहां पे तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ ये सही है, ये सब जरूरी आएगा आपको पीओ मेन लेवल के लिए, क्लियर। फिर ये लिखा है प्रैक्टिस रेगुलरली न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्कुल। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट डू गैस वर्क टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। तो जो एलिमिनेशन टेक्निक या गैस वर्क होता है, गैस वर्क और एलिमिनेशन टेक्निक थोड़ा सा अलग होता है। एलिमिनेशन टेक्निक को हम बोलते हैं एजुकेटेड गैस, बाकी सभी ऑप्शन को लॉजिकली रैशनली हम एनालाइज करके एलिमिनेट करते हैं तो वो एक एजुकेटेड गैस कहलाएगा। लेकिन गैस होता है ना कुछ भी ऐसे सोच के, हाँ अकड़ बक्कड़ ऐसा करके, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका गैस वर्क। तो गैस वर्क को आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है, ये आपके करियर का सवाल है, ठीक। सो अब चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर, गिव मी अ सेकेंड। तो यहां देखो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स है, रिवाइज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कहने की जरूरत नहीं है, लिखा है कैंडिडेट शुड फोकस ऑन रिवीजन ऑफ क्रिटिकल टॉपिक्स, दे शुड पुट, ये देख रहे हो ना, मैक्सिमम एफर्ट इन टॉपिक्स विद मैक्सिमम वेटेज, जो हम बात कर रहे थे पहले, जैसे कि रीजनिंग है तो पजल करना जरूरी होता है, बस वही वाला चीज है। सेकेंड, रिवाइज विद शॉर्ट ट्यूटोरियल्स है। फिर आता है सेक्शन वाइज प्रिपरेशन टिप्स, ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड को, एनालाइज मॉक टेस्ट, तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल देख लो। मॉक टेस्ट एनालाइज करने का मतलब होता है आप दो चीज देखना है, एक मॉक टेस्ट का एक क्वेश्चन होता है वो कितने टाइम में आप कवर करते हो, कितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया, कितने आपके सही रहे,
कहां कहां पे गलत हो गए, तो एनालिसिस का टेक्निक आ जाता है। अभी 15 दिन है, 15 दिन में एनालाइज करने पे ज्यादा नहीं करना है, अटेंशन और टाइम ये दोनों के ऊपर और एक्यूरेसी ये तीनों के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। अभी बी क्लियर विथ कॉन्सेप्ट्स, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी करना है आपको। फिर चलते हैं शॉर्टकट्स। हाँ बिल्कुल, थोड़ा शॉर्टकट को सीखना पड़ेगा क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग रहता है, सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्शनल टाइमिंग की बात रहता है। तो कट ऑफ जैसे कि हमें पता है कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट दिया गया है। अभी एप्टीट्यूड की बात ले लो, डीआई हो जाता है तो डीआई तो नॉर्मली शॉर्टकट में यूज नहीं होता, लेकिन बाकी से भी क्वेश्चन में कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, मालूम नहीं है तो आपको टाइम में दिक्कत आएगी, इसलिए शॉर्टकट थोड़ा क्वांटिटेटिव में बिल्कुल जरूरी है। ठीक, पर प्रैक्टिस को इंक्रीज करो विद मोर एंड मोर सेक्शनल टेस्ट। और यहां पे लिखा है गेस वर्क शुड बी लिमिटेड इन एसबीआई पीओ, देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पांस, देख रहे हो, देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू डू गेस वर्क। फॉर एक क्वेश्चन में कहीं स्टक नहीं हो जाना है, ऐसा लगता है क्यों कभी कभी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको दे, ये मेरे को मुझे लगता है कि मैंने क्लास में सर के कुछ किया था, लेकिन पता नहीं दो मिनट सोचूंगा तो हो जाएगा, वो दो मिनट चले जाते हैं तो मेरा होगा भी नहीं। इसलिए कभी भी एग्जाम में ये मेरी तरह से भी एक बहुत ही एम्फासिस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो आपके नेगेटिव में जा रहा है, उसको लीव करना ही जरूरी है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम डू नॉट गेट स्टक इन एनी क्वेश्चन, इफ कैंडिडेट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन लीव दैट, बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पजल्स, ये पजल में बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलेंगे नेक्स्ट में, आई होप यू आर कैचिंग इट अप। तो चलो यहाँ पे ये जो स्लाइड है यहाँ पे हम एक यहाँ पे फोकस करें पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है रीजनिंग सेक्शन ऑफर्स गुड स्कोप फॉर स्कोर मैक्सिमाइजेशन, कैसे ना बता रहा है कि सिंबल्स एंड पजल्स जो कि लिनियर अरेंजमेंट हो, सर्कुलर हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन, उनके साथ कभी कभी ब्लड रिलेशन मिक्स करके भी दे देता है। ठीक है, आर द मेजर एरिया ऑफ अटेंशन, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई दिया है। क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन टेस्ट ए कैंडिडेट्स एबिलिटी टू फॉलो ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, बस इसी में ही टाइम लगा जाता है। क्यों, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी यूजुअली फिगर इन द मेंस, बट कैंडिडेट्स मस्ट बी अलर्ट एज दे मे बी आस्क्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आल्सो, ये हमारी तरफ से कुछ इनपुट है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एटीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एटीट्यूड में क्या लिखा है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, और यहाँ पे लिखा है डेटा इंटरप्रिटेशन। मुझे लगता है आजकल के दुनिया में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है बैंकिंग के लिए वो डेटा इंटरप्रिटेशन का वैल्यू जानता है, तो वो हमेशा से ही एक एरिया ऑन स्पॉटलाइट रहेगा, इसको कैसे भी करके इसमें मास्टरी करना है। ठीक, क्वांटिटी कंपैरिजन प्रैक्टिस रेगुलरली टू क्रैक द एग्जाम। अब बात करेंगे इंग्लिश की, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हो, क्लोज टेस्ट अगर कंपेयर करें तो इसमें 5, इसमें एटलीस्ट 3 से 5 मार्क, 10 मार्क इन दोनों में आ जाते हैं भाई, और क्या चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा स्ट्रांग रखो, पारा जंबल ग्रामर में आएगा आपका, एरोडेड एक्शन फेज इंप्रूवमेंट, फिर वोकैबुलरी में आएगा वर्ड इंटरचेंज मैच द क्लॉज इनकरेक्ट यूजेस, ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर बेस करके हम अपना प्रिपरेशन को बेस करना है। ठीक, मेंटली अलर्ट रहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए, फिजिकली एनर्जेटिक रहिए, डोंट ओवरटैक्स नाइदर योर बॉडी नाइदर योर माइंड, कुछ भी ओवरटैक्स नहीं करना है, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़े। आवर ब्लेसिंग्स आर विद यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।